वेलकम टू जीके लैंड दोस्तों, हम आज से शुरू कर रहे हैं पूरे 395 अनुच्छेद की लिस्ट। तो हम इसमें वन बाय वन इसको पढ़ते चलेंगे। स्टार्ट करते हैं पहला, इसमें हम सभी भाग पढ़ेंगे। तो पहला भाग है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारत राज्यों का संघ है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला अनुच्छेद कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में दिए गए हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। दूसरा कहता है कि भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। कुल मिला के नए राज्यों की प्रवेश और स्थापना की बात कर रहा है। तीसरा है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं और नामों में परिवर्तन चेंजेस संसद विधि द्वारा करेगी, ठीक है। और चौथा बोलता है कि पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद चार में दो और तीन की बात की गई है। तो अनुच्छेद दो और तीन के अंतर्गत बनाई गई विधियाँ और कुछ नहीं होता, कानून होते हैं, वो दी गई हैं। फिर हमारा सेकेंड पार्ट है नागरिकता। ये हमने ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। इसमें एकल नागरिकता है हमें भारत में और संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 5 में दिया गया है। अनुच्छेद 6 है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। 7 है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, ये ध्यान रखना कि पाकिस्तान से है कि पाकिस्तान को है। तो पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले अनुच्छेद 7 में है कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता के अधिकार। और नो मतलब कि विदेशी राज्य की नागरिकता जिसने स्वेच्छा से अर्जित कर ली वो भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों का नागरिक ना होना, तो नो मीन्स नो। फिर 10वां है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। और 11वां अनुच्छेद कहता है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। फिर आता है भाग 3 मौलिक अधिकार, अमेरिका से लिया है। अनुच्छेद 12 में मूल या मौलिक अधिकार की परिभाषा दी गई है, डेफिनेशन। फिर 13 में मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां मतलब कानून है। फिर आते हैं हमारे अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक दिया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता है, राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और लागू करेगा। अनुच्छेद 15 है RRCSP, ये ट्रिक है जो कि है रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। RRCSP इस 15वें अनुच्छेद में इनके बारे में बात की गई कि राज्य के द्वारा धर्म नस्ल जाति लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता होगी, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में अवसर की समानता होगी। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, वो है SC और ST जनजाति और साथ ही साथ एक और क्या OBC मतलब पिछड़ा वर्ग। फिर अनुच्छेद 17 है, ये है अस्पष्टता का अंत। अनुच्छेद 17 अस्पष्टता का अंत है और अस्पष्टता के उन्मूलन हेतु इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत, सेना या विधा संबंधी सम्मान के अलावा जैसे कोई कला होती है अन्य कोई भी उपाधि राज्य प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा क्या दिया जाता है, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री। और सेना द्वारा दिया जाता है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि। इसके बाद के हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।